गाइस एक नई वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। तो गाइस जियो ने फाइनली दो मोबाइल नए लॉन्च किए हैं, जिसके अंदर एक के अंदर आप व्हाट्सअप चला सकते हैं, यूट्यूब चला सकते हैं और दूसरे के अंदर आपको बिना व्हाट्सअप और यूट्यूब के फ़ोन मिलने वाला है। तो यहाँ पे मेरे पास दो फ़ोन आए, दोनों नए हैं जो जियो ने नए लॉन्च किए हुए हैं गाइस। तो यहाँ पे मेरे पास पुराना फ़ोन भी गाइस आया हुआ है, तो आज मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आपको पुराना खरीदना है तो कैसे आपको बुक करना होगा और इसके वाले फंक्शन जो नए वाले में आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दो नए फ़ोन आए, एक यहाँ पे पुराना फ़ोन आया हुआ है। तो गाइस इनको करेंगे आज अनबॉक्स। अगर आपको ये फोन पसंद आए तो आप इसको बुक भी कर सकते हैं। तो पहले इसे अनबॉक्स करेंगे और आपको डिटेल से सारी जानकारी देते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ कंपनी ने पैक किया है, कितने का ये फोन है, कैसे आपको बुक करना है, सारी जानकारी आपको डिटेल से देने वाले हैं। तो आज की वीडियो आपको थोड़ा ध्यान से देखनी पड़ेगी क्योंकि ये जियो फोन है, दोनों नए हैं, जिसे मैं अनबॉक्स करने वाला हूं और आपको डिटेल से जानकारी देने वाला हूं। तो आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना और चैनल पे अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना। मैंने फोन कुछ इस तरीके से लगा दिए हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। पहले आपको अच्छे से समझ लेनी, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसे बुक करते हैं। तो यहाँ पे हेलो जियो का फोन आया हुआ है, जो फोन कुछ इस तरीके से दिख जाता है। जो सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं इसी फोन के आते हैं, जो ये 1500 रुपए का फोन आता है, इसमें एक साल का आपको रिचार्ज भी फ्री में मिलता है। तो गाइस अभी इसको भी अभी अनबॉक्स करेंगे और आपको बताएंगे कैसे आपको बुक करना है। और यहाँ पे दूसरा जो फोन मेरे पास आया हुआ है, ये देख सकते हैं, इसके अंदर आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब क्या क्या चलता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में इसका देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बॉक्स पूरा ओपन किया हुआ है और एक मोबाइल कुछ इस तरीके से निकल जाता है। तो गाइस यहाँ पे दो फोन है, दोनों मैंने यहाँ पे निकाले हुए हैं, जो मैं आपको पहले दिखाता हूँ, एक एक करके आपको दोनों बताता हूँ कैसे आपको बुक करना है, कौन सा आपको लेना है। तीसरा फोन भी मेरे पास यहाँ पे है, इसको भी मैं अभी करूँगा। इसमें विदाउट व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब चलता है, ये तो मेरे को पता है। तो अभी इसमें भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या चलता है गाइस। तो पहले आपको फ़ोन दिखाते हैं, यहाँ पे आया हुआ है जियो का भारत फ़ोन है, जो मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। जियो का भारत V1 4G नाम से फ़ोन है, जो आपको फ्रंट से कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे जियो भारत लिखा हुआ है और 2.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, जो पुराने फ़ोन में भी सेम आपको मिल जाती थी। इसके जो कीपैड है वो काफ़ी ज़्यादा हैंग करते थे, अब जो मोबाइल ये नया वाला आया हुआ है इसमें हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। इसके कीपैड काफ़ी सॉफ्ट है और अगर एक दबाओगे तो एक ही आएगा, अगर इस वाले फ़ोन में आपको एक दबाओ तो चार आ जाता था गाइस, ठीक है। तो अभी ये जो फ़ोन का कीपैड है काफ़ी अच्छा है और हैंगिंग की प्रॉब्लम, इसके कीपैड है जो काफ़ी अच्छे हैं और हैंगिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है गाइस। तो आप जैसे कि फ्रंट में देख सकते हैं नया वाला फ़ोन है, कुछ इस तरीके से आपको दिख पा रहा होगा। यहाँ पे ब्लैक कलर में ये फ़ोन मिल जाता है और इसमें आपको मैं बात करता हूँ बैक की, तो आप बैक में कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। कैमरा मिलता है, स्पीकर मिलता है, जियो लिखा हुआ नज़र आता है और इसका जो आप देख रहे हैं बैक में ये काफ़ी अच्छा यहाँ से नज़र आ रहा है। तो सबसे नीचे की साइड में आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर LG 3500 का आपको चार्जर मिलता है और 3.5 mm का ऑडियो जैक आपको मिल जाता है। सबसे ऊपर की साइड में एक आपको टॉर्च यहाँ पर मिल जाता है, जो कि पहले वाले फोन में भी आपको कुछ इसी तरीके से मिल जाता था। जो ये मेरे पास यहाँ पे LYF लिखा हुआ है और यहाँ पे कैमरा स्पीकर मिल जाता है और इसी तरीके से आपको कीपैड है। यहाँ पे देखो फ्रंट में कैमरा है, जो इसके अंदर आपको वीडियो कॉलिंग करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, जो कि फ्रंट में कैमरा बिल्कुल भी नहीं है और बैक में कैमरा आपको मिल जाता है। तो चलिए गाइस एक बार बैटरी डालते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर के फीचर्स में क्या कुछ कंपनी ने बदलाव किया और क्या कुछ इसके अंदर अपडेट जो नए नए आए हुए हैं वो भी बताते हैं, फिर इसके बाद बताते हैं आपको कैसे इसे बुक करना है गाइस, ठीक है। तो जियो का प्राइम 4G भी गाइस आया हुआ है, आपको अगर व्हाट्सअप, फेसबुक वाला एक नया फोन है जियो का प्राइमा 4G, मैं उसका आपको लिंक दूंगा, वहां पे जाके उसे भी परचेज कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसमें ये देखेंगे कि क्या क्या सामान निकला हुआ है, तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे एक चार्जर निकल जाता है, जियो लिखा हुआ चार्जर है, LG 3500 का आपको चार्जर मिल जाता है और इसमें आपको एक बैटरी निकल जाती है। और वारंटी की बात करूँ तो वारंटी के लिए यहाँ पे कार्ड मिल जाता है गाइस, ठीक है। तो एक साल की आपको इसमें वारंटी मिलेगी और इसमें दिखा देते हैं जो बैटरी आपको दिखाता हूँ, जो पुराने और नए में बैटरी वो सेम आपको मिल जाती है, 2000 mAh की बैटरी मिलेगी। चलिए एक बार यहाँ से डालते हैं और आपको आगे के फीचर्स सारे दिखाते हैं। गाइस बैटरी डालने से पहले मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताऊँ, इसके अंदर आप सिम डालेंगे तो एक सिम आपको डालनी है, एक मेमोरी कार्ड आप डाल सकते हैं, यहाँ पे एक EMI नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस, ठीक है। और इसी तरीके से पुराने वाले में भी है। तो चलिए गाइस इसमें एक बार बैटरी डाल देते हैं, 2000 mAh की बैटरी है, काफ़ी अच्छी बैटरी चल जाती है और जो कि यहाँ पर मैं इसे चालू कर रहा हूँ। तो दूसरा फ़ोन का मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ पर नया फ़ोन है जियो प्राइमा 4G, तो उसका मैं आपको लिंक दूंगा, तो उसे जाके परचेज कर सकते हैं, जिसमें व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब सारी चीज़ें बिल्कुल कन्फर्म है, वो चल रही है। और इस वाले में आपको ये देखना पड़ेगा मुझे कि इसमें अपडेट अभी आया या नहीं आया गाइस, ठीक है। तो मैं आपको सारे लिंक दे रहा हूं एक तरफ से, तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए ढंग से, इसके बाद ही आप आगे जाना गाइस, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर मिलेगा और उस वाले फोन में, तो क्योंकि ये वाला फोन है थोड़ा सस्ता है और वो वाला थोड़ा फोन महंगा है। वो वाला फोन आपको मिल जाता है 2599 रुपये का, उसका भी लिंक दिया हुआ है, और ये वाला जो फोन है गाइस ये मिलता है आपको 1299 का। ये आपको मैं अभी दिखाता हूँ, पहले इसके ऑफर बताऊंगा, इसके बाद ही आप वहाँ जाना गाइस, ठीक है। तो पहले आपको मैं इसके ऑफर बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर आपको मिल जाता है। ये पुराना वाला फोन है, इसको भी मैं
आपको बताऊंगा कैसे इसे बुक करते हैं। तो पहले कुछ फीचर्स हैं ये बताता हूँ आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो नए वाले फ़ोन में आपको क्या क्या मिल जाता है। यहाँ पे इंटरनेट ब्राउजिंग मिल जाता है, जियो सावन आपको मिल जाता है, जियो सावन के साथ में यहाँ पे जियो सिनेमा आपको मिल जाता है, UPI पेमेंट करने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो इसको आप जियो पे पर जाके इसे लॉगिन कर सकते हैं और UPI पेमेंट करने वाला जो नंबर होता है उसे वेरीफाई आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। कुछ फीचर्स इसके बॉक्स में लिखे हुए हैं जो मैं आपको यहाँ से बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सारे अपडेट हैं वो जो आ चुके हैं, मैं आपको यहाँ से भी क्लियर करा दूंगा। और ये फ़ोन मैं देखता हूँ इसके अंदर मैं आपको क्या कुछ इसका कंपेयर करके भी बताऊंगा, तो क्या कुछ इसके अंदर आपको मिलने वाला है। जैसे कि पुराने वाले फ़ोन में आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पर व्हाट्सअप आपको मिल जाता है, यूट्यूब मिल जाता है, फेसबुक आप चला सकते हैं इसके अंदर, और फेसबुक के साथ में जियो सावन आपको मिल जाता है। जियो सावन के बाद में आपको यहाँ पर वीडियो कॉलिंग करने को मिलता है और वाईफाई मिल जाता है, और जियो सिनेमा, जियो सिनेमा के साथ में आपको यहाँ पर देखो वीडियो कॉलिंग करने का ऑप्शन मिल जाता है, डेटा और ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है, और इसमें हॉटस्पॉट की सुविधा बिल्कुल भी नहीं है गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से फ़ोन है जो मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ। इसमें आपको देखो इसमें सबसे ज़्यादा जो कीपैड हैंगिंग की प्रॉब्लम बहुत आती है, तो ये नया फ़ोन है इसके बाद भी ये हैंग हो रहा है, और ये जो पुराना फ़ोन है अभी देख सकते हैं आपको मैं दिखाता हूँ चला के, बिल्कुल भी हैंग नहीं होता, जैसे मर्जी आप इसको चलाते रहिए गाइस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का फ़ोन था, ये काफ़ी अच्छा फ़ोन है। अब मैं आपको इसके कुछ फीचर्स बताता हूँ जो बॉक्स में लिखे हुए हैं, फिर इसको मैंने आपको वहाँ पर लिंक देना है, वहाँ पे जाके इसे परचेज कर सकते हैं। तो पहले आप फीचर सुन लीजिए इसमें क्या क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो इसमें लिखा हुआ है लाइव क्रिकेट, जियो सिनेमा वगैरह, जैसे कि मैं आपको यहाँ से दिखा पा रहा हूँ जियो सिनेमा है, जियो सावन आपको मिल जाता है, और जियो सावन पे आपको 8 करोड़ गाने सुनने को मिलेंगे, लाइव TV क्रिकेट मैच वगैरह देख सकते हैं, UPI पेमेंट कर सकते हैं, जियो चैट कर सकते हैं, HD वॉइस कॉलिंग आपको करने को मिल जाएगा, वायरलेस FM चला सकते हैं, 4G इंटरनेट ब्राउजिंग आपको करने को मिल जाएगा जो मैं आपको यहाँ से दिखाऊँगा, जो अभी एक मिनट अभी ये देखो यहाँ पे इसमें आपको फेसबुक लॉगिन करने को मिल जाएगा, इंटरनेट है इसमें आपको फेसबुक लॉगिन करने को मिलेगा, और यहाँ पे 2.4 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है, और ये देख सकते हैं आपको 0.3 मेगापिक्सल का आपको इसमें कैमरा मिल जाएगा, लाउड स्पीकर ऑन करके बात कर सकते हैं, और यहाँ पे कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर्स मिल जाएगा, और SD कार्ड आप 128 GB का मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, ब्लूटूथ आपको मिल जाएगा, टॉर्च आपको मिल जाएगी, अदर में बहुत सारे फीचर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि इसके अंदर व्हाट्सअप और यूट्यूब अभी अपडेट नहीं हुआ है, जैसे अपडेट हो जाता है मैं आपको वीडियो बना के ज़रूर दूंगा। और ये फ़ोन आपको मिल जाता है 1299 रुपये में, इसका मैंने लिंक दिया हुआ है। और अगर आपको व्हाट्सअप फेसबुक वाला फ़ोन चाहिए जैसे कि ये पुराने वाला है, तो आपको मैं लिंक देता हूँ वहाँ पे जियो प्राइमा 4G, आप देख लीजिए जियो प्राइमा 4G है, उसका मैं आपको लिंक दूंगा, वहाँ पे आपको व्हाट्सअप फेसबुक यूट्यूब वाईफाई वीडियो कॉलिंग ऐसी सारी चीज़ें आप उसमें चला सकते हैं, लेकिन वो 2599 रुपये का फ़ोन आएगा, उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। और यहाँ पे जियो का भारत V2 4G नाम से फ़ोन है जो ये 999 रुपये का आता है, इसका भी मैंने आपको लिंक वहाँ पे दिया हुआ है, उसे जाके परचेज कर सकते हैं। ये 123 रुपये के रिचार्ज पर चल जाते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई पुराना फ़ोन है उसकी सिम अगर आप इसमें डालना चाहते हैं, तो इन फ़ोनों के साथ में आपको 123 रुपये का रिचार्ज कराना है, 1/2 GB नेट डेली मिलेगा, अनलिमिटेड कॉल मिलेगा गाइस, वो आपको ईजिली मिल जाएगा। अगर आपको ये जियो का पुराना वाला फोन चाहिए गाइस, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये फोन आपको रिफर्बिश मिलेगा, यानी कि पुराना फोन मिलेगा, और ये अपनी होलसेल मार्केट होती है वहाँ मिल जाता है आपके आसपास एरिया में, और किसी भी मोबाइल शॉप पे आपको अगर कहोगे तो वो ला के देगा, लेकिन ये ओल्ड में होते हैं गाइस पुराना, जैसे कि अगर पहले आपने चलाया होगा तो वही पुराना ठीक करके दोबारा से रिफर्बिश में आ जाता है गाइस, ठीक है, मार्केट में वही आपको फिर से मिल जाता है विदाउट गारंटी में, उसके साथ में आपको ऑफर नहीं मिलेगा गाइस, ठीक है। अगर नए में लेना है तो मैंने सभी के लिंक दिए हुए नीचे, वहाँ पर व्हाट्सअप फेसबुक वाला भी आप जाके उसे एक बार वहाँ पे रिव्यू करके तो देखें, वहाँ पे सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना।